आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। बोकारो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाव हेतु पूरा देश में लॉकडाउन की गई है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु उपायुक्त बोकारो मुकेश कुमार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है एवं यहां के सभी चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी भी दिन रात पूरी तत्परता के साथ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने हेतु जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में लोगों को फोन कॉल व व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श मुहैया कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा ई संजीवनी ओपीडी एवं टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसके तहत लॉकडाउन की अवधि के प्रतिदिन पहली पाली में 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, दूसरी पाली में अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जिला के विभिन्न चिकित्सक दूरभाष एवं व्हाट्सएप ऐप पर उपस्थित होकर लोगों को निशुल्क चिकित्सीय सलाह देंगे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो स्टील से अनिल कुमार की। सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई है, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में अधिकांश जगह लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है, तो लॉकडाउन में मरीजों को काफी कठिनाई हो रही है आने जाने में। इसको देखते हुए एक ऐप नहीं बल्कि एक सुविधा प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से, ई संजीवनी ओपीडी, जिसमें मेरे सदर अस्पताल के डिफरेंट संस्थानों के सीएचसी के जो भी डॉक्टर हैं वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे 9 से 5 तक, 11 से 5 तक ओपीडी के टाइम में, और उनसे आप मुफ्त में सलाह ले सकते हैं या किसी भी तरह की अपनी समस्या को बता सकते हैं, आप काउंसलिंग की सुविधा ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ही जो भी आपको जानकारी चाहिए वो मुहैया कराई जाएगी। अभी तक टोटल जो बाहर से आए हैं, मतलब राज्य के बाहर से, उनकी संख्या है 8,146, जिसमें से होम क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं 2,762, और जो पहले थे 4,143, उनका होम क्वारंटाइन भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा जो हर्मेंट क्वारंटाइन में अभी 1,062 लोग रह गए।